बुधवार को जिला अस्पताल सहित 51 केंद्रों पर 11,258 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 8,248 और सेकेंड डोज लेने वालों में 3,010 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिले में 2 अभिभावक स्पेशल तथा 2 महिला स्पेशल बूथ बनाया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम में 1 बूथ पर ठेला खोमचा वालों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सीएमओ ने कहा कि अब वैक्सीन की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव का एकमात्र हथियार वैक्सीन है, इसलिए वैक्सीन अवश्य लगवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीका लगवाने वाले मधुलिका मिश्र, चंद्रभान मिश्रा एवं सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, रोहित सरकार जी मैम, मास्टर जी, संगीता देवी, मधुलिका मिश्रा है और मैं टीका के लिए आई हूँ। मैं तारामंडल से आई हूँ, वैक्सीनेशन के लिए आई हूँ सेकंड डोज के लिए। कब से आए? आधे घंटे से ऊपर हो गया। बाकी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बाकी लोगों से क्या अपील, फॉर दिस कोरोना पेंडेमिक के लिए जो थर्ड वेव आने वाली है, लोग बोल रहे हैं कि आने वाली है, उसके लिए अगर हम अभी से प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होंगे। और एज़ पर दिस करंट सिचुएशन आप बाहर जाके देख लीजिए, किसी के उस पर मास्क, बहुत कम लोग हैं जिसको मास्क लगाए हैं। तो ये जो ये सिचुएशन है, इसको हमें ही हैंडल करना है। अभी लास्ट सिचुएशन इतना डेंजरस था, अगर आगे भी हम ऐसे ही लापरवाही से चलते रहे तो आगे हम इससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन को फेस करेंगे। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल माई डियर पीपल कि प्लीज़ हमें इस बीमारी को रोकने के लिए हमें खुद को आगे बढ़ा के सारी एहतियात बरतनी पड़ेगी जो हमें करना है। टाइम पर टीका लगवाइए, जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है वो मेंटेन करें, और जिस जो भी सोशल गैदरिंग होती है उससे हम जितना बच सकते हैं बचें। बिकॉज इन फ्यूचर फॉर ऑल दिस थिंग्स ओनली वी आर रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन जो हमें करना है वो तो हम करें ना। गवर्नमेंट तो हमारा बहुत साथ दे रही है, हमें अपने जीवन की रक्षा पहले खुद सोचनी है, खुद को करनी है। गवर्नमेंट तो हमारा साथ देगी, दे ही रही है, सब लोग दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? एज ए ह्यूमन बींग हम क्या कर रहे हैं? तो वो हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने एटलीस्ट अपने बिहाफ पे हम जितना कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए, और हम करेंगे। मैं खुद भी एक हार्ट पेशेंट हूँ, दैट्स वाई आई एम वेरी वरिड फॉर ऑल दोज पीपल हु आर पेशेंट एंड दोज पीपल आवर चाइल्ड। तो इसलिए मैं कहती हूँ, मैं सभी लोगों से एज ए पेरेंट्स मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एज मच एज वी कैन डू, जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम करें।
मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सभी इस चीज़ को मिल करके इस चीज़ को ओवरकम करें और इस स्थिति से, इस बुरी स्थिति से बाहर निकलें। इसके लिए हम सब लोग को आगे मिलकर बढ़ना करना पड़ेगा और मैं जितना कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इसमें सबका एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के साथ मिल करके इस प्रॉब्लम को ओवरकम करें, इस प्रॉब्लम से हम निकलें। मेरा नाम है चंद्रभान मिश्रा, हम आए हैं घंटाघर से। कोई नहीं प्रॉब्लम, बहुत अच्छा है, कोई पता भी नहीं चल रहा है, नो साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। बाकी लोगों से क्या कहना है? सब लोग आज के डेट में हम जागरूक कर रहे हैं, दूसरा भी जागरूक हो रहे हैं। अभी देखिए बाहर कितना भीड़ हुआ था, पहले अभी लोग आ नहीं रहे थे, अभी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं एक दूसरे को देखते हुए। अभी सबके अंदर वो भावना आ गई है। आज हमारे ज़िले में 51 सेंटरों पर वैक्सीनेशन हुआ है, उसमें से जो दो महिला स्पेशल बूथ चल रहा है, दो अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहा है और बाकी हमारी PSC CSS पर वैक्सीनेशन हो रहा है।